तो दल बदली की सियासत खूब जोर उत्ते है। तो दल बदली को लैके वख-वख सियासी पार्टियां ते वख-वख सियासी आगुआं दे अपने अपने तर्क भी ने, पर इस विचाले लोग की सोचते हैं दल बदली की सियासत ते आम लोगों की राय है, इस बारे जानने की कोशिश की मोहाली तो साडे पत्रकार पुनीत परिंजा ने। चुनावों के सामने आते ही दल बदल कानून को लेकर एक बार फिर से माथापच्ची शुरू हो गई। इस वक्त हमारे साथ मोहाली के छत गांव से कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जरूर पूछेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है कि क्या दल बदल कानून जो है वो और सख्त होना चाहिए। आपको लगता है जो दल बदल कानून है वो कितना सख्त होना चाहिए? बहुत ज्यादा सख्त होना चाहिए जी, ताकि कोई भी नेता जिसनों अपने लालच वास्ते दूजी पार्टी चले जाता है उन्हें टिकट नहीं मिलनी चाहिए। आप बताइए जी, आप बुजुर्ग भी हैं और आप यहाँ पे पूछा जाए कि दल बदल कानून जो है अक्सर देखा जाता है कि उसको टिकट नहीं मिली, वो दूसरी पार्टी में चले गए, वहाँ से टिकट मिली, चुनाव लड़ गए, लेकिन जनता उसके साथ हो जाती है, तो क्या जनता को भी सबक सिखाना चाहिए ऐसे लोगों को? हाँ जी, जनता को भी समझना चाहिए ना कि ऐसे लोग जो है इधर से एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए और दूसरी वो पब्लिक का क्या करेंगे, पब्लिक का भी कुछ नहीं, दे कैन नॉट गिव एनीथिंग टू द पीपल्स। आपका क्या मानना है, आप नौजवान हो, कि दल बदल कानून जो है वो कितना हानिकारक है, कितना वो कह सकते हैं कि हम समाज के लिए या एक राजनीतिक सिस्टम के लिए कितना खतरनाक है? सर होता ना राजनेता वास्ते दल बदल फायदेमंद है जी, आम पब्लिक का तो कोई फायदा नहीं है, आम पब्लिक तो कुछ नहीं मिलता जी, और जिधर दी जाते पब्लिक भी उधर दी लग जाती है जी, पार्टी से एक रहना चाहिए जी, कानून सारे वास्ते एक होना चाहिए जी। आज पार्टी छोड़ दी, टिकट नहीं मिला तो अपने फायदे के लिए दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, इसके लिए सभी पार्टियों को एक जुट होकर इकट्ठा होकर एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि दोबारा से कोई इसके बारे में सोचे ना, अपने फायदे वास्ते देख देना जी, टिकट भी उन्होंने अपने फायदा दिखता ना जी, पब्लिक का कोई फायदा नहीं है जी, जिधर उन्होंने पैसा देखा उधर दौड़ देना जी उन्होंने। आपके मुताबिक जी कितनी कठोर जो इसमें सजा होनी चाहिए? एटलीस्ट पार्टी से 10 साल के लिए तो उसको निकाल ही देना चाहिए, मिनिमम 10 ईयर्स तो कम से कम इसके लिए कोई सजा भी होनी चाहिए, 2 साल की सजा या 4 साल की सजा भी होना चाहिए, ये पार्टी सभी की पार्टी को मिलकर बैठ के ये कानून बनाना चाहिए जिससे कोई इसके बारे में आगे बिल्कुल ना सोचे। तो ये थे मोहाली के छत गांव के लोग जिनका ये मानना है कि कानून जो है वो काफ़ी सख्त होना चाहिए ताकि अगर कोई नेता पार्टी छोड़ने की कोशिश भी करे, सोचे भी, तो उसको एक बार सोचने पर मजबूर होना पड़े। कैमरा पर्सन अरुण के साथ पुनीत पिंजा, जी मीडिया, छत गांव।